बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। आज हमारा इस्लामियात का 16वां लेक्चर है और आज हम हदीस नंबर 6 पढ़ेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 50 है। पेज नंबर 50 के आखिर पर हदीस नंबर 6 है, तो आज हम हदीस नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम 5 अहादीस पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 6वीं हदीस है और सूरतुल अनफाल के 6 रकू हम मुकम्मल कर चुके हैं। तर्जमा भी और अल्फाज मानी भी और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हम सब मुकम्मल कर चुके हैं और पहला मौजू भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। सिर्फ दूसरा मौजू हमारा रह गया है। आज हम हदीस नंबर 6 जो है वो पढ़ रहे हैं। हदीस नंबर 6 देखिए, मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। मन जिसने अहब्बा महब्बत की लिल्लाह अल्लाह के लिए, व अबगज़ा और बुग्ज़ रखा, नफ़रत रखी, दुश्मनी रखी लिल्लाह अल्लाह के लिए, व आता और अता किया दिया लिल्लाह अल्लाह के लिए, व माना और रोका लिल्लाह अल्लाह के लिए, फ़क़द बेशक इस तक माला उसने मुकम्मल कर लिया अल ईमान ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग्ज़ रखा, अल्लाह के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। यह हदीस पाक का तर्जमा है। अज़ीज़ तलबा, तशरीह इसकी देखिए। इस हदीस मुबारक में तकमील ईमान के 4 उसूल बयान किए गए हैं। हदीस पाक में ईमान के उसूल अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं और ईमान की तकमील के 4 उसूल हैं। वो उसूल ये हैं: अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बुग्ज़ रखना, अल्लाह के लिए अता करना और अल्लाह के लिए महरूम रखना। ये 4 जो है वो ईमान की तकमील के उसूल हैं। इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए और किसी को कुछ अता करने से हाथ रोके तो वो भी अल्लाह के लिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में इन 4 आमाल को ईमान की तकमील करार दिया है, यानी ये पैमाना है ईमान की तकमील का। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि किसका ईमान जो है वो मुकम्मल है और किसका ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। जिसमें ईमान की तकमील के ये 4 उसूल पाए जाएंगे उसका ईमान मुकम्मल होगा, और जिस शख्स में ईमान की तकमील के उसूलों में से कोई उसूल जो है वो नहीं होगा तो उसका ईमान नाकिस होगा। अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, एक माँ जिस तरह अपने बच्चे से प्यार रखती है उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपनी मखलूक से, इंसानों से मोहब्बत रखते हैं। इसलिए इंसान को भी चाहिए कि वह अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज़ अल्लाह ही की ज़ात को रखे। जब अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है तो उसे भी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। दुनिया में जिससे मोहब्बत रखे तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए, कि वह अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा है, इसलिए उससे इंसान जो है वो मोहब्बत रखे। इसके अलावा अव्वल तो किसी से बुग्ज़ ना रखे, किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी से बुग्ज़ हो और नफ़रत हो तो उसकी बुनियाद महज़ ये हो कि अल्लाह ताला उस शख्स को नापसंद करता है, वो ज़ालिम है, वो फासिक है, वो फाजिर है, अल्लाह ताला का नाफरमान है, इसलिए अल्लाह ताला उससे नापसंद करते हैं। लिहाजा जब सरकश और ज़ालिम को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तो हम क्यों करें? ऐसे लोगों से जो है वो नफ़रत रखनी चाहिए, ज़ालिमों से। इसके अलावा अगर किसी को कुछ माल अता करें तो उसकी बुनियाद भी रियाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो। किसी को कुछ देना है तो वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए देना है कि अल्लाह ताला जो है वो राज़ी हो जाएं, दिखावा मकसद ना हो या कोई और दुनियावी मकासद में से कोई मकसद हासिल ना करना हो, कोई और मुफाद ना हो, बल्कि अल्लाह की रज़ा हो। और अगर किसी से हाथ रोकें तो महज इसलिए कि अल्लाह ताला ने हाथ रोकने का हुक्म दिया है, यानी इंसान का जो भी काम हो वो अल्लाह ताला की रज़ा को पेश नज़र रख कर रखे करे
उसकी दुश्मनी, उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत, उस सब की बुनियाद अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। तो अजीज तलबा, हम इस हदीस पाक को किस तरह से हल करेंगे? इस तरह से होगा, सबसे पहले हदीस पाक होगी, उसके बाद हदीस पाक का तर्जमा होगा, तर्जमे के बाद तीसरी जो हेडिंग होगी वो तशरीह की हेडिंग होगी। तो तशरीह की हेडिंग में हम ये लिखेंगे कि इस हदीस मुबारक में तकमील ईमान के चार उसूल बयान किए गए हैं। ये हदीस की जो तशरीह है, इस हेडिंग में हम लिखेंगे इस हदीस मुबारक में तकमील ईमान के चार उसूल बयान किए गए हैं। उसके बाद फिर हम हेडिंग देंगे तकमील ईमान के उसूल, ये हेडिंग होगी। उसके बाद ये चार उसूल हम लिखेंगे कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, नंबर दो किसी से बुग्ज़ रखे तो महज अल्लाह के लिए, नंबर तीन इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए, और नंबर चार किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वह भी महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इसके बाद अगली हेडिंग होगी अल्लाह के लिए मोहब्बत, और इसको हमने शुरू करना है यहाँ से कि अल्लाह ताला चूँकि इंसान से बेहद मोहब्बत रखता है, लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वह अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का मरकज अल्लाह ही की ज़ात को रखे। दुनिया में जिससे मोहब्बत रखे महज अल्लाह की रज़ा के लिए रखे, यहाँ तक महज अल्लाह की रज़ा के लिए रखे। फिर अगली हेडिंग होगी अल्लाह के लिए बोस, और इसको हमने यहाँ से शुरू करना है। इसके अलावा का लफ्ज हम छोड़ देंगे, हम ये लिखेंगे कि इंसान अव्वल तो किसी से बोस ना रखे, और अगर किसी से बोस हो भी तो उसकी बुनियाद महज ये हो कि अल्लाह ताला उस शख्स को नापसंद करता है। लिहाजा जब किसी सरकश और ज़ालिम को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तो हम क्यों पसंद करें, यहाँ तक। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी अल्लाह के लिए अता करना, इसमें भी ये लफ्ज़ नहीं लिखना। इसके अलावा का लफ्ज़ छोड़ के हम लिखेंगे कि इंसान अगर किसी को माल अता करे तो उसकी बुनियाद भी रियाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो। हम यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर हम किसी को माल अता करें तो उसकी बुनियाद भी रियाकारी या दुनियावी गर्ज ना हो, बल्कि अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो, बल्कि अल्लाह की रज़ा पेश नज़र हो। और उसके बाद अगली हेडिंग होगी अल्लाह के लिए महरूम रखना। इसके शुरू में भी हम का लफ्ज़ हम लगाएंगे कि अगर हम किसी से हाथ रोकें तो महज इसलिए कि अल्लाह ताला ने हाथ रोकने का हुक्म दिया है। तो अजी तलबा, इसके बाद अगली हेडिंग होगी अल्लाह ताला का इरशाद, और ये इरशाद हमने लिखना है। अगर आपको आयत मुबारक लिखनी ना है तो सिर्फ तर्जमा में भी आप लिख सकते हैं। आयत मुबारक ये है, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जिंदा रहना, मेरा जीना, मेरी ज़िंदगी और मेरा मरना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो ये सूरतुल अनाम की आयत नंबर 162 है। अजी तलबा, इसके बाद आखिरी जो हेडिंग होगी वो हमारी, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, हम नकल करेंगे। इरशाद ये है, अलमरु मा मन अहब्बा, अलमरु मा मन अहब्बा, के आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की। तो अजी तलबा, इसके अलावा भी आप इसी हदीस से मुतालिका कुरान पाक की आयात मुबारक और अहादीस मुबारक इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो अजी तलबा, इस हदीस मुबारक को आपने इसी तरह हेडिंग के साथ, इसका तर्जमा और तशरीह जो है वो हेडिंग के साथ आपने याद करनी है, और कापी पे आपने इसकी हेडिंग्स जो है वो लिख लेनी हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अजी तलबा, हम अब तक जो है 6 हदीसें मुकम्मल कर चुके हैं, और हम एक मौजू मुकम्मल कर चुके हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने सूरतुल अनफाल के 6 रुकू जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं अब तक। सिर्फ अब हमारा दूसरा मौजू रह गया है जो हम कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। तो अजी तलबा, आप इसको नोट भी कीजिए और इसको याद भी कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।